जय हिंद। तो आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो देखिए, आज है 27 अक्टूबर। आज क्या है, 27 अक्टूबर है, और 27 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर का महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो सभी आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और क्लास के लास्ट में आपसे एक प्रश्न भी पूछेंगे जो आपको 27 अक्टूबर से पहले जितना भी क्लास हुआ है उसी में से एक प्रश्न होगा, और उस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को आप स्किप करके नहीं देखिए, क्योंकि अगर स्किप करके देखिएगा तो आपको पूरा कंटेंट समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यह जो प्रश्न है आपको कल का है, यानी आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन, यह प्रश्न जो है आपको कल का है, वो प्रश्न है कि हाल ही में 2 दिवसीय एंथुरियम महोत्सव, ठीक है, क्या है 2 दिवसीय एंथुरियम है, ठीक है, यहाँ पे स हो गया, एंथुरियम, एंथुरियम महोत्सव शुरू हुआ मिजोरम, गुजरात, मणिपुर, त्रिपुरा। तो देखिए, इसका जो आंसर होगा मिजोरम होगा। क्या होगा? मिजोरम। यानी कल का वीडियो का आंसर क्या होगा? मिजोरम होगा, ठीक है। और मिजोरम अगर हम बात करें तो मिजोरम का राजधानी है आइजोल, आइजोल इसका राजधानी है, ठीक है। और 20 फरवरी 1987 को इसका गठन हुआ था, 20 फरवरी 1987 को, यानी 20 फरवरी 1987 को मिजोरम का गठन हुआ। और 1987 में एक और राज्य का गठन हुआ है, वो है आपको अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश भी आपको 20 फरवरी के हुआ है, 20 फरवरी को आपको अरुणाचल और मिजोरम का गठन हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करें मिजोरम, तो मिजोरम के अभी प्रेजेंट में सीएम कौन है? सीएम जो है आपको मिजोरम का जोरम थंगा, ठीक है, क्या याद रखना है? जोरम थंगा, जोरम थंगा, यानी सीएम कौन है? जोरम थंगा। और हरि बाबू कंभापति, हरि बाबू कंभापति जो है आपको, यह है आपको राज्यपाल। और मिजोरम में अगर हम बात करें लोकसभा सीट का, तो लोकसभा सीट है एक और राज्यसभा सीट है एक, यानी लोकसभा सीट एक और राज्यसभा सीट है एक, और जोरम थंगा आपको यहाँ के सीएम है, और हरि बाबू कंभापति हैं आपको राज्यपाल। और 20 फरवरी 1987 को मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन हुआ। और भी अगर हम बात करें मिजोरम में, तो मिजोरम में एक मिजो पहाड़ी है, मिजोरम में कौन सा पहाड़ी है? मिजो पहाड़ी, आपको इसको भी याद रखना है, ठीक है, मिजो पहाड़ी कहाँ है? मिजोरम में। और नागालैंड में एक पहाड़ी है सारामती, सारामती नागालैंड में है, इसको भी याद रखना है। मिजोरम में, मिजोरम जो है आपको कर्क रेखा से, मिजोरम कर्क रेखा से आपको गुजरता है, यानी कर्क रेखा जो है इससे गुजरता है, यानी मिजोरम से कर्क रेखा गुजरता है, ठीक है। और मिजोरम आपको बांग्लादेश और म्यांमार से बाउंड्री साझा करता है, कौन कौन सा देश से? बांग्लादेश और म्यांमार। अब उसके बाद देखेंगे फर्स्ट प्रश्न, आज का फर्स्ट प्रश्न देखेंगे, आज का फर्स्ट प्रश्न क्या है कि हाल ही में दूसरा सरस आजीविका मेला कहाँ प्रारंभ हुआ? कहाँ? जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब। तो फर्स्ट का जो आंसर होगा सी होगा, हरियाणा। क्या होगा? सी, यानी दूसरा सरस आजीविका मेला कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो हरियाणा में। और पहला कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। और हरियाणा में अगर हम बात करें तो हरियाणा के अभी प्रेजेंट में सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर, ये क्या है आपको? सीएम है हरियाणा के। और भी अगर हम हरियाणा में बात करें तो हरियाणा के राज्यपाल, हरियाणा के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय, दत्तात्रेय है ना, बंडारू दत्तात्रेय जो हैं आपको राज्यपाल हैं।
और हरियाणा में, हरियाणा का गठन जो है 1 नवंबर 1966 को हुआ था, 1 नवंबर 1966 को इसका गठन हुआ। और हरियाणा में आपको लोकसभा सीट है 10, यानी 10 लोकसभा सीट है और 5 राज्यसभा सीट। 10 क्या हुआ, लोकसभा सीट है, 5 राज्यसभा सीट। अब उसके बाद है सेकंड प्रश्न। सेकंड है, हाल ही में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए आई स्टार टैलेंट कनेक्ट पोर्टल किसने लॉन्च किया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात या उड़ीसा। तो सेकंड का आंसर होगा गुजरात, सॉरी राजस्थान। क्या होगा, राजस्थान। और राजस्थान का राजधानी कहाँ है, जयपुर। और यहाँ पे सीएम है अशोक गहलोत। अशोक गहलोत क्या है, आपको सीएम है, कहाँ के, राजस्थान के। और राजस्थान में अगर हम बात करें राज्यपाल, तो कलराज मिश्र, कलराज मिश्र हैं आपको राज्यपाल। और इसका गठन अगर बात करें तो 1949 को इसका गठन हुआ था, 1949, 1949 यानी आजादी से 1 साल बाद किसका गठन हुआ, राजस्थान का। और 1948 में आपको एनसीसी का गठन हुआ था, एनसीसी, एनसीसी। और एनसीसी के अभी जो प्रमुख हैं वो है गुरबीर पाल सिंह, अब इसको भी याद रखना है, गुरबीर पाल सिंह, यानी गुरबिल पाल सिंह जो है एनसीसी के क्या है आपको प्रमुख है। और इसका गठन 1948 को हुआ और राजस्थान का 1949 यानी आजादी से 2 साल बाद, सॉरी आजादी से 2 साल, यानी भारत आजाद कितना कब हुआ था, 1947 में, इसका 2 साल बाद आपको राजस्थान का गठन हुआ। और अगर हम राजस्थान में अगर हम बात करें तो राजस्थान में लोकसभा सीट आपको 25 है, 25 लोकसभा सीट है और 10 क्या है आपको राज्यसभा सीट। और राजस्थान जो है, राजस्थान में टोटल 50 जिला था, लेकिन अभी वर्तमान में 3 और जिला जुड़ा है। वह जिला यानी 3 और जिला का नाम जो है आपको सुजानगढ़, मालपुरा और कुचामन। ये आपको 3 और जिला जो जुड़ा है उसको नाम याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपको हूबहू ऐसा पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे 3 और नए जिला का नामकरण हुआ, तो वो कौन सा है, राजस्थान। ठीक है, और कितना है, तो वो है आपको 3, और कौन कौन सा है, सुजानगढ़, मालपुरा और कुचामन। थर्ड है, हाल ही में प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर किसने प्रारंभ किया, केरल, गोवा, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु। तो प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर ये जो है आपको तमिलनाडु किया है, कौन किया है, तमिलनाडु। इसका आंसर क्या होगा, तमिलनाडु हो जाएगा। और तमिलनाडु में अगर हम बात करें, देखिए एक पुदुचेरी, पुदुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है भारत का, तो पुदुचेरी का जो विस्तार है आपको 3 राज्य में है, एक है केरल, फिर उसके बाद है तमिलनाडु, फिर उसके बाद है आंध्र प्रदेश। तो आपको जो है इसको भी याद रखना है कि पुदुचेरी, पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का विस्तार कितने राज्यों में है, तो 3 राज्यों में, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। और तमिलनाडु में अगर हम बात करें, तमिलनाडु में तो यहाँ के सीएम है एम के स्टालिन, कौन है, एम के स्टालिन। और इसमें अगर हम क्या बोलते हैं, गवर्नर का अगर बात करें, गवर्नर तमिलनाडु के गवर्नर तो आर एन रवि, आर एन रवि, आर एन रवि क्या है आपको, राज्यपाल है। और तमिलनाडु का अगर गठन बात करें, इसका गठन कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को हुआ, कब हुआ, 26 जनवरी 1950। और 26 जनवरी 1950 को एक और राज्य का गठन हुआ था, वो हुआ था असम का, असम यानी असम और तमिलनाडु दोनों का गठन कब हुआ है, तो 26 जनवरी 1950 को। और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का 20 फरवरी 1987, है ना। तो ये दो डेट जो है आपको याद रखना है, पहला असम और
असम और तमिलनाडु, 26 जनवरी 1950, और अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, ये कितना है, 20 फरवरी 1987। और तमिलनाडु में अगर हम बात करें तो एक सलेम सागो, सलेम सागो क्या है, सलेम सागो को जीआई टैग मिला है। सलेम सागो को क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। फोर्थ है, देश का तीसरा नेशनल एजिंग सेंटर कहाँ स्थापित होगा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गोवा, उत्तर प्रदेश। फोर का क्या होगा, फोर का होगा डी, उत्तर प्रदेश। क्या होगा, डी, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश का राजधानी है लखनऊ, लखनऊ। और योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, ठीक है, कौन है। और लखनऊ जो है आपको, सॉरी, उत्तर प्रदेश में एक कानपुर शहर है, कानपुर शहर जो आपको गंगा नदी के किनारे बसा है, यानी सबसे बड़ा शहर जो है भारत का, जो आपको कानपुर शहर जो है आपको गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। और भी अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में गवर्नर कौन है, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल, ये हैं आपको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश में तो इसका गठन, उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ, इसका जो है आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है, इसका गठन आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे फाइव। फाइव है, हाल ही में अत्यंत दुर्लभ पूर्वी ऑस्प्रे गिद्ध का सफल प्रजनन कहाँ हुआ, कहाँ हुआ है, ऑस्ट्रेलिया, भारत, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा। तो फाइव का जो आंसर है ऑस्ट्रेलिया होगा, क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया का राजधानी है कैनबरा, कैनबरा इसका राजधानी है। और एंथनी अल्बनीज, एंथनी अल्बनीज ये क्या है आपको, प्रधानमंत्री है, किसका, ऑस्ट्रेलिया का। और ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया क्या है, एक एक है, क्या उसको बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया आपको एक महाद्वीप है जिसको ओसेनिया बोलते हैं, ठीक है। और यह जो है आपको, इसके बगल में एक और महाद्वीप खोजा गया है, आठवां महाद्वीप, वो है आपको जिलेंडिया, जिलेंडिया, जिसका 94% भाग आपको जल में है, कहाँ है, जल, और 6% भाग स्थल पे, है ना। तो आपको इसको याद रखना है कि अभी जो है वर्तमान में महाद्वीपों की संख्या कितना है, तो आठ है, और आठवां कौन सा है, जिलेंडिया। और भी अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया के बारे में, तो ऑस्ट्रेलिया में आपको ग्रेट ग्रेट बैरियर रीफ है, फिर उसके बाद गिब्सन मरुस्थल, है ना, गिब्सन मरुस्थल, और यहाँ पे घास का मैदान है आपको, डाउन्स, डाउन्स है आपको घास का मैदान। और फिर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी है, कहाँ है ये आपको, ऑस्ट्रेलिया में, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और ग्रेट बैरियर रीफ और गिब्सन मरुस्थल। देखिए एग्जाम में आपको ये जो प्रश्न है डाउन्स, हूबहू पूछता है कि डाउन्स जो है घास का मैदान कहाँ है, तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया में, और गिब्सन मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल भी कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है, और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये भी आपको ऑस्ट्रेलिया में है। और भी अगर हम घास के मैदान में अगर बात करें तो कंपोज, कंपोज, कंपोज कहाँ है, ब्राजील। और उसके बाद वेल्ड, एक है क्या, वेल्ड, ये है आपको साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। और एक है पुस्ताज, पुस्ताज है हंगरी, कहाँ है, हंगरी। और पंपास अगर हम बात करें, पंपास तो ये है आपको अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। और लानोज, अगर लानोज हम बात करें तो लानोज है आपको वेने जुएला, वेनेजुएला में क्या है आपको, घास का मैदान, लानोज है, ठीक
ठीक है, यानी आपको क्या क्या बताया, एक डाउन्स बताया जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, फिर उसके बाद कंपोज ब्राजील, फिर उसके बाद पुस्ताज हंगरी, फिर लानोज वेनेजुएला, पंपास अर्जेंटीना और वेल्ड साउथ अफ्रीका। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। और गिब्सन मरुस्थल आपको ऑस्ट्रेलिया में है, और ग्रेट बैरियर रीफ और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये सब जो है आपको ऑस्ट्रेलिया में है। और ऑस्ट्रेलिया में आपको मुद्रा चलता है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यानी डॉलर चलता है। और एंथनी अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। और कनाडा की अगर हम बात करें तो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन डूडो। और कनाडा जो है आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको सेकंड स्थान पे है। और फर्स्ट अगर हम बात करें तो फर्स्ट है रसिया, सेकंड हो गया कनाडा, अगर थर्ड बात करें तो थर्ड है आपको अमेरिका, फोर्थ है चाइना, चाइना ठीक है, फोर्थ हो गया चाइना। और फाइव अगर हम बात करें पचवा स्थान, तो पचवा स्थान है आपको ऑस्ट्रेलिया का, किसका है, ऑस्ट्रेलिया। और सातवां अगर बात करें क्षेत्र की दृष्टि से तो यह है आपको भारत, कौन सा है, भारत है। तो आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला और सातवां याद रखना है, पहला कौन सा है, रसिया, और सातवां है आपको अपना प्यारा भारत। यानी अगर एग्जाम में अगर इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला यानी प्रथम देश कौन सा है सबसे बड़ा में, तो वो है रसिया, और भारत है सातवां, और सेकंड है कनाडा। अब उसके बाद है सिक्स, सिक्स है इंडिया मोबाइल कांग्रेस का सातवां संस्करण कहाँ होगा, गोवा, पंजाब, नई दिल्ली या राजस्थान। तो सिक्स का आंसर होगा सी, क्या होगा, सी, यानी नई दिल्ली, नई दिल्ली। और नई दिल्ली में अभी G20 सम्मेलन हुआ था, G20 सम्मेलन हुआ कहाँ, नई दिल्ली में। और इसका थीम जो रखा गया था, थीम वो है वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर, यानी वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर जो है आपको G20 सम्मेलन का थीम रखा गया है। और नई दिल्ली में अगर हम बात करें तो नई दिल्ली का सीएम, यानी नई दिल्ली का जो सीएम है वो है आपको अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। और ये जो है आपको आम आदमी पार्टी से है, आम आदमी पार्टी। और यहाँ पे लोकसभा सीट आपको सात है और तीन है आपको राज्यसभा सीट, यानी लोकसभा कितना है आपको सात है और तीन है आपको राज्यसभा सीट। और दिल्ली में अगर हम बात करें उपराज्यपाल, तो विनय कुमार सक्सेना, विनय कुमार सक्सेना ये है आपको उपराज्यपाल। सेवन है, हाल ही में भारत को किस देश ने मुफ्त पर्यटक वीजा प्रदान किया है, मुफ्त पर्यटक वीजा यानी फ्री में आपको जो है घूम, क्या बोलते हैं, आप श्रीलंका में जाके, सॉरी हाँ श्रीलंका में घूम सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा आपको श्रीलंका होगा, क्या होगा, श्रीलंका। यानी मुफ्त पर्यटक वीजा प्रदान कौन किया है भारत को, तो वो है आपको श्रीलंका। और श्रीलंका में अगर हम बात करें तो श्रीलंका के अभी प्रेजेंट में रानिल विक्रम सिंधे ये हैं आपको राष्ट्रपति, क्या हैं, राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रम सिंधे। और पीएम अगर बात करें, पीएम तो पीएम है दिनेश गुणवर्धन, दिनेश गुणवर्धन ये हैं आपको पीएम है यानी प्राइम मिनिस्टर हैं। और श्रीलंका के राजधानी अगर हम बात करें, श्रीलंका के राजधानी कहाँ है, तो श्रीलंका का दो राजधानी है, दो राजधानी, पहला राजधानी है कोलंबो, कोलंबो, और यह जो है आपको व्यापारिक राजधानी है, व्यापारिक व्यापारिक राजधानी। और सेकंड है प्रशासनिक राजधानी, वो है श्री जयवर्धना पूरा कोट्टे। यानी दो राजधानी हो गया कौन कौन, एक हो गया कोलंबो और सेकंड हो गया श्री जयवर्धना पूरा कोट्टे, ये हो गया प्रशासनिक राजधानी और ये हो गया आपको व्यापारिक राजधानी। और अब प्रशासनिक में अगर हम बात करें, प्रशासनिक तो एक आपको याद रखना है, क्या बोलते हैं,
ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड जो है आपको सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड ये सबसे बड़ा द्वीप है। द्वीप किसको बोलते हैं? द्वीप जिस उसको बोलते हैं जिसके चारों तरफ पानी से घिरा हो, यानी वैसा क्षेत्र जिसके चारों तरफ पानी से घिरा हो उसको बोलते हैं द्वीप। तो सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, ठीक है, कौन सा है? ग्रीनलैंड है। और ग्रीनलैंड में प्रशासनिक अधिकार जो है उसका डेनमार्क का है, डेनमार्क, डेनमार्क में प्रशासनिक अधिकार किसका है, सॉरी, ग्रीनलैंड का प्रशासनिक अधिकार किसका है? डेनमार्क का। और भौगोलिक विस्तार जो है ग्रीनलैंड का वो है अमेरिका, भौगोलिक विस्तार अगर हम बात करें तो अमेरिका। अब उसके बाद है एट, एट, एट क्या है? हाल ही में किसे एडिटेक स्टार्टअप हेनरी हार्विन एजुकेशन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो देखिए इसका ऑप्शन क्या है, इसका जो ऑप्शन है चेतन भगत, फिर उसके बाद है विराट कोहली, फिर उसके बाद है आर माधवन और शुभमन गिल। तो इसका जो आंसर होगा चेतन भगत, क्या होगा? चेतन भगत। और चेतन भगत के बारे में अगर हम बात करें तो इनका तीन पुस्तक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है आपको, फर्स्ट है द थ्री मिस्टेक, द थ्री मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, ऑफ माई लाइफ, ये जो है एग्जाम में ये आपको वीवीआई लगाना है, वीवीआई, द थ्री मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, ये एग्जाम में हर एक एग्जाम में पूछा पूछा गया प्रश्न है। या तो आप एसएससी ले लीजिए, रेलवे, या फिर बैंक, या किसी भी एग्जाम में आप ले लीजिए, ये जो प्रश्न है आपको पूछा गया है। तो आपको इस प्रश्न को, यानी जो पुस्तक है द थ्री मिस्टेक ऑफ माई लाइफ चेतन भगत का, वो जो आपको ध्यान रखना है। और अगर हम सेकंड बात करें, सेकंड पुस्तक, तो 5.51, 5.51 ये है आपको सेकंड पुस्तक। और वन नाइट एट द कॉल सेंटर, ये तीसरा पुस्तक है। तीन पुस्तक इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट क्या बताएं, फर्स्ट द थ्री मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, और सेकेंड है 5.51, फिर है थर्ड है वन नाइट एट द कॉल सेंटर। और सुमन गिल अगर हम बात करें, सुमन गिल तो ये तो भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं और सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले, 2000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं, बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं। नाइन है, हाल ही में किस आईआईटी के 5 शिक्षक दुनिया के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों में शामिल हुए हैं? आईआईटी कानपुर, आईआईटी पलक्कड़, आईआईटी दिल्ली, या फिर आईआईटी भोपाल। तो इसका जो आंसर होगा बी, आईआईटी पलक्कड़, क्या होगा? आईआईटी पलक्कड़। 10 है, हाल ही में रिचर्ड राउंडेट्री का निधन हुआ, वे कौन थे? अभिनेता, लेखक, गायक, या फिर क्रिकेटर? तो यह जो है आपको अभिनेता थे, क्या थे? अभिनेता। और यह अभिनेता यूएसए का थे, कहाँ के थे? यूएसए, यूएसए का, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। 11 है, हाल ही में ईसीआई ने किसे अपना राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया है? अक्षय कुमार, राहुल द्रविड़, राजकुमार राव, या फिर चेतन भगत? तो ईसीआई ने अपना राष्ट्रीय आइकन जो नियुक्त किया है वो है राजकुमार राव को, राजकुमार राव। राजकुमार राव क्या है? एक अभिनेता है, अभिनेता यानी एक्टर। 12 है, हाल ही में किसे अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया? अशोक गॉडगिल, अरुण मेहरा, अजय बंगा, या फिर राजीव कुमार? तो 12 का आंसर होगा अशोक गॉडगिल, क्या होगा? अशोक गॉडगिल, है ना। और 53वां अगर हम दादा साहब फाल्के बात करें, 53वां दादा साहब फाल्के अवार्ड, फाल्के अवार्ड, तो 53वां दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है अप्पू वहीदा रहमान, और 52वां अमिताभ बच्चन को दिया गया। 52वां किसको दिया गया?
अमिताभ बच्चन। और हार्वर्ड लॉ स्कूल ने, हार्वर्ड लॉ स्कूल जो है आपको वैश्विक नेतृत्व के लिए डी वाई चंद्रचूड़ को पुरस्कार दिया है। तो डी वाई चंद्रचूड़ क्या है, यह आपको सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। कौन है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल आपको 65 वर्ष का होता है। कितना होता है? 65 वर्ष, है ना। और कौन सा नंबर के हैं? यह है 85वें नंबर के। डी वाई चंद्रचूड़ जो है आपको 85वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। और हॉवर्ड लॉ स्कूल जो है आपको वैश्विक नेतृत्व के लिए आपको चंद्रचूड़ को पुरस्कार दिया है। अब उसके बाद आगे आगे है, एशियाई पैरा गेम्स 2023 में एक ही संस्करण में दो स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? सुमित अंतिल, नीरज चोपड़ा, अवनी लेखरा या फिर अंकुर धामा? तो इसका आंसर होगा अंकुर धामा। क्या होगा? अंकुर धामा। और सुमित अंतिल और नीरज चोपड़ा ये जो है आपको भाला फेंक के खिलाड़ी हैं, भाला फेंक। और अवनी लेखरा ये जो है पैरा शूटिंग का है। किसका है? पैरा शूटिंग, पैरा शूटिंग। और ओलंपिक जो हुआ था 2020 वाला, उसमें जो है यह गोल्ड मेडल लाई थी, गोल्ड मेडल जीती थी। कौन? अवनी लेखरा। और अगर हम 19वां अगर एशियन गेम के बारे में बात करें तो ये आपको हांगजू शहर में कहाँ हुआ है? हांगजू शहर में, जिसमें भारत का टोटल मेडल 107 आया। कितना है? 107, जिसमें 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 जो है आपको क्या है, क्या बोलते हैं, ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज तीन मेडल है। और यह जो है आपको कितना है? 107 है। टोटल मेडल कितना है? 107। और एक आपको नाम याद रखना है अदिति अशोक का, अदिति अशोक ये जो है आपको गोल्फ के प्लेयर हैं, वह गोल्फ के प्लेयर हैं और पहली भारतीय महिला बनी है आपको एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल जीतने वाली, सिल्वर मेडल, सिल्वर मेडल। और 41 साल बाद, 41 साल बाद आपको घुड़सवारी में मेडल जीता है, गोल्ड मेडल 41 साल बाद। और भारत, अगर हम बात करें, भारत 1951 में होस्ट किया था एशियन गेम्स और फिर सेकेंड बार होस्ट किया है 1982 में, और 18वां होस्ट किया है जकार्ता, जकार्ता। और 19वां कौन होस्ट किया है? तो होंगजू शहर चाइना, यानी चीन, चीन के शहर है होंगजू। ठीक है, चीन के शहर होंगजू में आपको एशियन गेम्स, 19वां एशियन गेम्स हुआ है। और पैरा, पैरा एशियन गेम्स अगर हम बात करें तो ये आपको 22 अक्टूबर से आपको 28 अक्टूबर तक होगा, 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर। और इसमें अगर हम ध्वजवाहक बात करें, पैरा ओलंपिक का ध्वजवाहक, तो ध्वजवाहक है अमित सरोहा, अमित सरोहा और पारुल परमार, पारुल परमार। ये क्या है? आपको ध्वजवाहक है। और 19वें एशियाई गेम में, 19वें एशियाई गेम में आपको ध्वजवाहक अगर हम बात करें तो ध्वजवाहक थे मनप्रीत सिंह, मनप्रीत सिंह और एक लवलीना बोरगोहेन, लवलीना बोर गोहेन, लवलीना बोरगोहेन। और मनप्रीत सिंह आपको हॉकी के प्लेयर हैं और लवलीना बोरगोहेन ये आपको बॉक्सिंग, बॉक्सिंग के प्लेयर हैं। किस चीज का है? तो बॉक्सिंग का। ठीक है, और लास्ट में यानी जब खेल खत्म हुआ था, 19वां एशियाई जो गेम है खत्म हुआ था, तो उसका ध्वजवाहक कौन थे? तो पी आर श्रीजेश। आपको याद, नाम याद रखना है, नाम पी आर श्रीजेश। ये आपको हॉकी के क्या है? गोलकीपर है, गोलकीपर। और ये आपको कर्नाटक से बिलोंग करती है, यानी कर्नाटक के रहने वाले हैं। कौन? पी आर श्रीजेश। ठीक है, अब उसके बाद है 14। 14 हाल ही में सातवीं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कहाँ हुई है? रियाद, अबू धाबी, मस्कट या फिर दोहा?
इसका जो आंसर होगा क्या होगा, इसका जो आंसर होगा रियाद, यानी सातवीं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव आपको सऊदी अरब का राजधानी रियाद में हुआ है, और यूएई का राजधानी कहाँ है, अबू धाबी, यूएई, और दोहा जो है आपको कतर का है, किसका है, कतर का। अब उसके बाद यह प्रश्न है आपको होमवर्क, यानी यह प्रश्न आपके लिए सवाल है, और इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।